सभागार में उपस्थित विभाग के अन्य अधिकारीगण, उपस्थित सामुदायिक समन्वयक और दीनदयाल कौशल विकास से जुड़े सभी हमारे प्रतिभागीगण और मीडिया के भाइयों, मैं सर्वप्रथम झारखंड की धरती में जायका के कंट्री हेड मिस्टर ताका सोई का वेलकम करता हूं, क्योंकि जापान और हिंदुस्तान का बहुत ही पुराना संबंध है और वो संबंध सांस्कृतिक संबंध है। छठवीं सदी में ही भारत से ही लॉर्ड बुद्ध जापान में, और इस तरह हमारे देश और जापान, और आप देखते हैं हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और जापान के प्राइम मिनिस्टर का कितना अंतरंग संबंध, और जिसके कारण चाहे वो अहमदाबाद बॉम्बे का बुलेट ट्रेन हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में भारत के विकास में जापान का जो सहयोग होना चाहिए, निरंतर सहयोग हो रहा है। और उसी निमित्त जायका भी झारखंड में 242 करोड़ और राज्य सरकार 20 करोड़ के संयुक्त 242 करोड़ की योजना का आज लॉन्च भी हो रहा, और उसके लिए मैं ग्रामीण विकास विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जो पंचायती राज हैदराबाद से डॉक्टर संध्या जी आई है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम बचपन से मैं भी पढ़ा हूं और यहां जितने बैठे हुए हैं सब पढ़े हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव के विकास के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता, लेकिन 70 वर्ष बीतने के बाद भी अगर गांव की दशा को हम देखें तो इन 70 वर्ष में गांव को विकसित हो जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इस 70 वर्ष में एक जो विकसित भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था कि देश आजाद होने के बाद हमारा भारत एक विकसित भारत बने, हमारा भारत एक आर्थिक सुपर पावर देश बनेगा, लेकिन इन 4 वर्षों में अगर हम देखें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिनकी सोच है कि जब तक गांव विकसित नहीं होगा तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता, और इसीलिए ढेर सारी है इतनी योजनाएं चला रहे हैं ताकि गांव से जो पलायन बड़ी संख्या में शहरों की ओर होती है और झारखंड में तो और पलायन होते हैं, इस पलायन को रोकने के लिए अगर गांव में ही हम उसकी रोजगार की व्यवस्था कर दें, स्वरोजगार की व्यवस्था कर दें, और गांव में जो हमारे, क्योंकि हम जानते हैं असली झारखंड गांव में है, असली भारत गांव में है, तो गांव में जो हमारे कृषक है, क्योंकि कृषि में रोजगार के भी अवसर ज्यादा हैं, तो गांव अगर हम विकसित कर दें तो हमारी पलायन की जो झारखंड की बहुत बड़ी समस्या से भी हम निजात पा सकते हैं। और उसी के तहत दीनदयाल कौशल विकास योजना के तहत चाहे वो शहरी क्षेत्र के नौजवान नौतियां हो, चाहे गांव क्षेत्र के नौजवान नौतियां, ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है ताकि ये जो युवा शक्ति है, युवा भारत, क्योंकि मैं रोड शो में जापान भी गया
और इस बात से समय होंगे जितनी विकसित कंट्री हो बूढ़ा देश होते जा रहा है, वही भारत युवा देश। और झारखंड का हम भी 18 वर्ष 15 नवंबर को पूरा करने जा रहे हैं, युवा झारखंड। यह जितने लोग बैठे हुए हैं सभी युवा, ये युवा शक्ति ही राष्ट्र हमारी राज्य की असली धन है। असली पूंजी इस राज्य की युवा शक्ति है, और ये युवा शक्ति चाहे आप शिक्षा लिए हो चाहे शिक्षा नहीं ली, जैसे बताया गया 10वीं पास की बच्चियां भी इस प्रशिक्षण शिविर में ले रहे हैं। मैं शुरू से कहता हूं कि गांव में गरीबी के कारण कोई बच्चे बच्चियां उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा, तो अगर भगवान ने उसे बुद्धि नहीं दी है, अगर उसे हम प्रशिक्षित कर दें तो उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार स्वरोजगार के माध्यम से अपने पैर पर खड़ा हो सकता है। और इसी सोच के तहत झारखंड सरकार भी कृषि और ग्रामीण विकास की प्राथमिकता में है, और झारखंड में अगर हम देखें तो झारखंड में महिलाएं काफी मेहनती है, क्योंकि मैं हर चीज को रीडिंग करता हूं। जब मैं एमएलए था तो जमशेदपुर रांची बाय रोड आता था तो मैं देखता था नामकुम में बुआई का काम भी महिलाएं कर रही है, कटाई का भी काम महिलाएं कर रही है, बकरी चलाने का काम भी कौन कर रही है, महिला। और अगर हमारा कुम्हार भाई चाकी घुमा रहा तो मिट्टी सामने का भी काम कौन कर रहा, महिला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब तक अगर देश को हमें आगे बढ़ाना तो हमें महिलाओं को आगे लाना, और उसी के मार्गदर्शन में झारखंड सरकार भी अगर राज्य को आगे बढ़ाना तो हमें महिलाओं को आगे लाना, महिलाओं को आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्तिकरण करना। और इसी दृष्टिकोण से लगातार 4 वर्षों से जिस तरह विभाग के अधिकारियों की मेहनत से स्वयं सहायता समूह जिसे हम सखी मंडल कहते हैं, एक सखी मंडल की बहुत बड़ी फौज झारखंड में खड़ी है, और किस तरह संगठित होकर अपनी जिंदगी में बदलाव ला रही है। अभी एक दीदी ने हम सबको अपनी कहानी बताई कि हम छोटे किसान थे, किस तरह सखी मंडल हम बनाकर और थोड़ी थोड़ी बचत कर उस बचत से फिर अपने को हम कैसे विकसित किए, ये उदाहरण हम लोग के सामने दिए। इस तरह के हजारों दीदियां संगठित होकर एक समूह बनकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का काम हमारी इस सखी मंडल की दीदियों से के द्वारा हो गया। और इसीलिए आपको याद होगा 2017 में हमने हमारी जो दीदियां, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सपना दुनिया डिजिटल इंडिया की ओर जा, दुनिया डिजिटल की ओर जा रहा तो भारत भी डिजिटल की ओर जाए, बिना नकद देन का आदान प्रदान हो, तो 1,00,000 हमने सभी सखी मंडल की बहनों को स्मार्टफोन दिया था। आपको मिला था दीदी, मिला था, जोर से बोलो, हाँ उसको यूज कर रहा। उसी तरह आप देखे होंगे 1 रुपया में देश का पहला राज्य झारखंड, जहां हम 50,00,000 की संपत्ति में 1 रुपया में रजिस्ट्री कर